ये हमारे सोलर सिस्टम का चांद। चांद हमारे अर्थ का एक लौता उपग्रह है। चांद को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन का समय लग जाता है और इसे सिंक्रोसन मोशन कहा जाता है। हमारे अर्थ से इसकी दूरी 384,000 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चांद हमारे धरती से दूर जा रहा है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन हमारा चांद हमारी धरती से दूर जा रहा है, यह महज एक कल्पना बनके रह जाएगा सूर्य ग्रहण। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सालों बाद धरती पर रहने वाले लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सूर्य और चंद्र ग्रहण पूरी दुनिया के लिए एक खगोलीय घटना हो, लेकिन भारत के लिए ये आस्था है, क्योंकि कई आस्थाएं भारत के इस चांद से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है, और करीब हर 18 महीने में चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है, जिससे पृथ्वी चांद से पूरी तरह ढक जाती है और सूरज की रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पाती है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन हर बार की तरह मेरा काम आपको फैक्ट बताना। आने वाले सालों में पूर्ण सूर्य ग्रहण सिर्फ एक कल्पना बनके रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा लगातार पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक चांद और धरती के बीच की दूरी हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दूरी भले ही कम रफ्तार की हो, लेकिन लंबे समय में इसका असर दिखेगा। जैसे आज हमें डायनासोर सिर्फ एक कल्पना मालूम पड़ते हैं, वैसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण पर लोगों का विश्वास कर पाना मुश्किल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जब चंद्रमा धरती से करीब 23,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण असंभव हो जाएगा। सूर्य धरती से 400 गुना बड़ा है और चांद की तुलना में 400 गुना दूर भी है। धरती के नजदीक होने के कारण भी चंद्रमा उसे ढक पाता है। 1960 के दशक में नासा वैज्ञानिक ने अपोलो मिशन के जरिए चंद्रमा पर शीशे यानी दर्पण लगाए थे। दर्पण से बने रिफ्लेक्टिव पैनल तक दशकों तक लाइट बीम डाली गई और देखा गया उन्हें रिफ्लेक्ट होकर धरती पर वापस पहुंचने में कितना समय लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि लेजर की यात्रा हर साल लंबी होती गई, जिसका मतलब है कि चंद्रमा लगातार धरती से दूर जा रहा है। नासा वैज्ञानिकों के मुताबिक हजारों लाखों साल बाद ऐसा हो सकता है कि चांद धरती से आज की तुलना में कुछ छोटा दिखाई दे। हो सकता है धरती और सूरज के ठीक बीच में चंद्रमा के आने से पूर्ण सूर्य ग्रहण न होकर एक अंगूठी जैसी आकृति दिखाई देगी। चांद के दूर जाने से अर्थ की रोटेशन धीमी हो जाएगी, जिससे दिन और रात के समय में अंतर आ जाएगा। मौसम में भी तेजी से बदलाव होंगे। वैज्ञानिकों माना है लगभग 600 मिलियन साल बाद चंद्रमा इतना दूर चला जाएगा कि वह एक तारा बनके रह जाएगा और उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। ऐसी स्थिति आने पर धरती पर सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटनाएं बंद हो जाएंगी। है ना कमाल का फैक्ट।